कोरोना संकट के चलते बेरोजगार हुए लोगों के लिए शुरू की गई मनरेगा समग्र योजना के तहत बागवानी करके आप भी फलदार पौधे उगा सकते हैं। धर्मशाला विकास खंड के कंड करडियान के विचित्र कुमार ने इस दिशा में कार्य करते हुए मिसाल कायम की है। कंड करडियान के विचित्र सिंह ने बताया कि पंचायत की ओर से उन्हें 170 सेब के पौधे उपलब्ध करवाए गए थे, जिनकी उन्होंने प्लांटेशन की और 80 के लगभग पौधे उन्होंने अपने स्तर पर लगाए थे। सेब के पौधों ने अब फल देना शुरू कर दिया है। नेट आदि की व्यवस्था के लिए 14 से 15 पेटियां यहां से उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि मनाली और कोटखाई में रहते हुए सेब उत्पादन का उन्हें अनुभव था, जिसका फायदा उन्हें अब मिल रहा है। जहां सेब के पौधे लगाए गए हैं, वहां मिक्स प्लांटेशन भी की जा रही है। पहले लहसुन लगाया था और अब वहां मटर लगाने की योजना चल रही है। एक्चुअली जो है कि मैंने यहाँ पे 5 साल पहले प्लांटेशन की थी अपने पैसे से, मेरे को कोई भी उससे जो है कि कोई वो नहीं मिला है। फिर भी जो है कि पंचायत के थ्रू और ब्लॉक के थ्रू जो कुछ भी है, इस साल जो है कि 170 पौधा पंचायत के मनरेगा के थ्रू लगे। 80 पौधे की प्लांटेशन जो है कि मैंने अपने पैसों से की थी। फिर इस साल जो है कि मैक्सिमम इस साल फल भी दिए बहुत ज़्यादा, तो क्या कम फल है, फास्ट फल है। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगले साल कुछ जो है कि मेरे को गवर्नमेंट भी जैसे और दे, कुछ नेट नोट दे, और मैं जो है कि इससे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 पेटियाँ जो है कि शेर निकाल के दूँ, क्योंकि आगे वो क्यों। और मैं जो है कि ब्लॉक वालों को बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस साल इन्होंने जो है कि मेरे को मनरेगा के थ्रू बहुत अच्छी प्लांटेशन दी और जो है कि आगे भी कुछ मेरे काम करें। एक्सपीरियंस 18 साल, 16 साल मैं मनाली में बैठा हूँ और 1.5-2 साल मैं जो है कि एक्चुअली कोटखाई में बैठा हूँ। तो एक्चुअली जब मैं फ्री होते थे तो हम लोगों के बगीचे में चले जाते थे और वहाँ पे जो है कि लोगों से गाइडिंग लेते थे। तो हमने जो है कि यहाँ पे कई जगह आके पूछा कि भाई हाँ यहाँ पे सेब तैयार हो सकता, तो उन्होंने बोला कि लो हाइट के सेब निकला हुआ और यहाँ पे तैयार हो सकता है। तो हमने जो है कि ये अपने पैसे से मैंने जो है कि 80-85 पौधे जो है कि अपने पैसे से मैंने खुद यहाँ पे प्लांट किए। अभी यहाँ पे आपने सेब का बगीचा लगाया हुआ है, इसके साथ और कोई फसल भी उगाते हैं साथ में? सर 2 साल में नहीं, इसमें 5 साल में 2 साल मैंने जो है कि लहसुन लगाया है, उसकी वजह से सेल्स तो नहीं हुई, घर में थोड़ा खराब हो गया। और साथ में इस साल सोच रहा हूँ कि मैं मटर की फसल लगाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। पंचायत की प्रधान शारदा देवी ने बताया कि पहले मनरेगा के तहत रास्ते और कुल्हे बनाई गई, जबकि अब मनरेगा समग्र के तहत सेब, संतरे और नींबू के पौधों की प्लांटेशन करवाई जा रही है। लोगों को घर पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। गांव के एक व्यक्ति विचित्र कुमार को सेब के पौधे दिए गए थे, जिनमें फल आना शुरू हो गए हैं और कुछ और आवेदकों के फाइल भी तैयार की गई है। पहले तो हम रास्ते और कुल बनाते थे, अब नई स्कीम जो आई है सरकार के माध्यम से, तो हम फलदार पौधे लगा रहे हैं, उससे सेब, संतरा, नींबू वगैरह। तो अभी नए प्रदर्शन करा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि लोगों को सबको रोज़गार मिले घर घर में, तो घर में काम कर रहे हैं लोग। तो अब जो यहाँ पे बूटे दिए थे हमने विचित्र कुमार को, तो उन्होंने एप्पल के बेस बूटे लगाए हैं, उसमें अब सेब लगने शुरू हो गए हैं 120 बूटे। तो अब नई फाइलें और तैयार कर रहे हैं उनके, और बूटे दे रहे हैं उनको। हम सोच रहे हैं कि सभी लोग फलदार पौधे लगाएं और सबको घर घर में रोजगार मिले। पंचायत के उप प्रधान राकेश कुमार ने बताया कि मनरेगा के तहत लोग अपने काम करके आर्थिक सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके लिए फलदार पौधे, पोल्ट्री शेड सहित अन्य कार्यों भी करवाए जा रहे हैं। गांव के विचित्र सिंह ने सेब की पौधे तैयार किए हैं, उससे प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी अब सेब के पौधे लगाने के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सर जैसे पहले जो यहाँ पे काम हो रहे थे जितने भी, उसमें मनरेगा के अंतर्गत, उसमें हम यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो जरूरतें थी, जैसे उसमें रास्ते काफ़ी ख़राब थे, सड़कें नहीं थी लोगों के लिए, खेतों के लिए ना तो उसमें जगह खुले उचित मात्रा में थी। हमने पिछले कुछ समय से उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा था, लेकिन अभी जैसे सरकार ने कुछ ये समग्र योजना के अंतर्गत लोगों को पर्सनल काम भी करने के लिए अपने कुछ हिदायतें दी हुई है, तो इसमें हमने लोगों के काफ़ी जो आर्थिकी जिससे उनकी सुदृढ़ हो सके, ऐसे कामों को ज़्यादा, जैसे जिसमें पौधारोपण है, फलदार पौधारोपण हो गया, मुर्गी पालन शेड है, बकरी शेड, इस तरह जितने भी जो लोग अपने जिससे जिसकी आर्थिकी जो है वो सुदृढ़ हो सके, ऐसे काम हम ज़्यादा ले रहे हैं।
बात की जाए जैसे अभी पौधारोपण फलदार पौधारोपण की, तो हमने 4 साल पहले यहाँ पे हमारे बाढ़ 5 जून में बचित्र जी उन्होंने अभी एक अपना सेब का बगीचा लगाया था, उसमें कल उसमें फल आ गए। तो उस बाग को देखे यहाँ पे जो जितने भी युवा हमारे बेरोजगार हैं वो काफ़ी उनसे शिक्षा लेके अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास समग्र योजना में लगभग 12 से 15 से 20 ऐसे फल आई हैं जिसमें जो फलदार पौधे के लिए हैं, ताकि और हमें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आने वाले समय में ये जो लोगों का जो ध्यान है जो पहले सड़कें कुल्ले रास्ते इसमें इसकी ओर अग्रसर था, अब ये अपनी जो जिससे उनकी कमाई भी बढ़ सके उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं लोग। और मुझे लग रहा है कि आने वाले जो ये जो योजना समग्र योजना है उसमें हम काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से आज हमारे यहाँ से जाएगी। इस मुद्दे पर BDO धर्मशाला अभिनीत ने बताया कि मनरेगा समग्र के तहत पौधारोपण के काफी आवेदन आ रहे हैं, विशेषकर लोग सेब के पौधे लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि जो भी आवेदन आ रहे हैं उन्हें 15 दिन के भीतर स्वीकृति प्रदान की जाए, क्योंकि वर्तमान में पौधारोपण का समय चल रहा है। कंडकंड्रियाण गांव के एक व्यक्ति ने सेब पौधे लगाने के लिए पंचायत में आवेदन दिया था, जिस पर व्यक्ति को 170 सेब के पौधे उपलब्ध करवाए गए थे। पंचायत ने अपने स्तर पर भी संबंधित व्यक्ति को 250 के करीब सेब के पौधे लगवाए। इस बार फल भी इनमें आ रहा है और लगभग 16 नए आवेदन क्षेत्र से आए हैं। देखिए, जिला प्रशासन ने जो मनरेगा समग्र जो एक स्कीम शुरू की है उसके अंतर्गत पौधारोपण के बहुत सारे आवेदन जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर लोग जो हैं वो एप्पल प्लांटेशन की तरफ भी जा रहे हैं और सिट्रस प्लांटेशन जो है इसके भी हमारे पास कई आवेदन जो हैं वो आ रहे हैं, और एक हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन जो हैं वो हम 15 दिन के भीतर ही उनको सेंक्शन देकर, क्योंकि अब पौधारोपण का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द ऐसे कार्य शुरू किए जाएँ, यही हमारा प्रयत्न है। ये जो आवेदन था हमारे पास, पिछले साल इन्होंने आवेदन किया था पंचायत में पौधारोपण कराने के लिए, जिसके अंतर्गत इन्होंने सेब के पौधे जो हैं वो लगाने का आवेदन किया था, और पंचायत के द्वारा इनको लगभग 170 के आसपास जो हैं वो पौधे प्रोवाइड किए गए थे, और इन्होंने कुछ अपने निधि का इस्तेमाल करके भी कुछ पौधे जो हैं वो लगाए हैं, तो लगभग 250 के आसपास इन्होंने सेब के पौधे जो हैं वो लगाए, और इस बार इन्होंने जो है उसमें फल भी प्राप्त किया है। तो इन्हीं को देखते हुए और भी हमारे पास बहुत सारे आवेदन जो हैं इस पंचायत के आए हैं, लगभग 15-16 के आसपास नए आवेदन जो हैं हमारे पास इस पंचायत ने के लोगों ने किए हैं, जिसमें वह सेब के पौधे और अन्य जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं ये लगाना चाहते हैं।